हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मटर के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। मोस्टली हम पराठा विंटर सीजन में ही बना पाते हैं, क्योंकि तभी इजीली हमें मटर मिलती है। पर आज जो पराठा हम बनाएंगे ये फ्रोजन मटर का बनाएंगे। इजीली हमें मार्केट में फ्रोजन मटर मिल जाती है, और बारिश का मौसम हो ऐसे में मन करता है कुछ चेंज करके खाया जाए। तो स्पेशली मैं आपके लिए फ्रोजन मटर से कैसे पराठे बनाए इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मटर का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में देखिए इस तरह से बीच में हम जगह बना देंगे, और आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे, और 2 चम्मच घर का रेगुलर चम्मच हमने यूज़ किया है उससे हम घी डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोयन हमने नहीं डाला है, जस्ट पराठा सॉफ्ट बने इसके लिए 2 चम्मच केवल घी डालेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मुलायम आटा हम रेडी कर लेंगे। मुलायम सा आटा रेडी हो गया है, ढक के इसे 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। तो यहाँ 2 कप हम फ्रोजन मटर लेंगे, जिसे ल्यूक वार्म वाटर में हमें धोना है, क्योंकि मटर में जल्दी स्मेल आ जाती है, इसलिए इसे ल्यूक वार्म वाटर में आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब हमने बर्तन में 1/2 कप पानी रख दिया है, जिसमें हमें मटर को उबालना है। धुल के मटर को हम इसमें ऐड कर देंगे, और स्वाद के लिए 1/2 छोटी चम्मच 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसे बॉयल होने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मटर अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इस तरह की एक छन्नी में हम इसे छान लेंगे, ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये देखिए मटर कितने अच्छे से कुक हो गई है। अब यहाँ पर हमने एक रोलिंग बोर्ड पे एक टिश्यू पेपर बिछा लिया, आप कॉटन की क्लॉथ भी बिछा सकते हैं, और उस पे सारे मटर को हम फैला देंगे और हवा में 3 से 4 मिनट के लिए इसे ड्राई होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर 1/2 इंच अदरक को ग्रेट कर लेते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च भी इस तरह से ग्रेट करके हम डालेंगे। आप चाहें तो अदरक, मिर्च, लहसुन का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उसकी स्मेल मुझे पराठे में नहीं पसंद है। आपको अगर पसंद हो तो आप लहसुन डालिए। अब यहाँ पर हम इसे ग्राइंड करने के लिए इस तरह से बेलन का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जब हम मटर को ग्राइंड करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए पूरा पेस्ट मत बनाइए, थोड़ा दरदरा पीसिए, तभी मटर के पराठे के मज़े आएंगे। तो इस तरह से हमने पीस के रख लिया। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे, और अब सारे मसाले हमें इसमें ऐड करना है। तो पहले मटर को हम ऐड कर लेते हैं, फिर हमने जो अदरक और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसके साथ ही साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब गेहूं का आटा। ढाबे में जब भी कोई स्टफिंग वाला पराठा बनता है तो उसकी स्टफिंग में गेहूं का आटा डाला जाता है, इससे बाइंड अच्छा होता है स्टफिंग, और एक्स्ट्रा जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने वो ही टेक्निक यूज़ की है, और अब आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी स्टफिंग बनकर रेडी हुई है। अब बिल्कुल इन्हें बराबर बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो एक नींबू के साइज़ का हमने लिया इसमें से लोई, और इसे इस तरह से चिकना करके हम रखते जाएंगे। जितने पराठे इसमें बन पाएंगे उतनी लोइयां आप बना लीजिए और एक साइड रख दीजिए। तो मटर की ये लोइयां रेडी हो गई हैं। अब आटे की लोई भी हम कट कर लेते हैं। तो थोड़ी बड़ी, जितना आपने मटर की लोई ली थी उससे थोड़ा बड़ा आप इस तरह से आटे का पेड़ा लीजिए और इसे चिकना कर लीजिए।
अब हम इसे रोल करेंगे। तो पूरी के साइज का पहले हम इसे रोल करेंगे, जैसे आप नॉर्मली स्टफिंग के पराठे बनाते हैं बिल्कुल ही वैसा हम इसे रेडी करेंगे। तो ये देखिए पूरी के साइज का हमने बना लिया। अब हम इस पे जो मटर की हमने लोई बना के रखी थी वो रखेंगे, सारे तरफ से इसे पैक कर लेंगे। चारों तरफ से हम स्टफिंग को इस तरह से सील पैक कर देंगे और फिर इस पे सूखा आटा लगाकर जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही पराठों को बेल लेंगे। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर लगाकर इन्हें नहीं बेलना है, क्योंकि स्टफिंग वाले पराठे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो पराठा फट सकता है। यहाँ आप देखेंगे एक भी पराठा फटा नहीं है, तो बेलने में थोड़ी सी ट्रिक है बट फटाक से ये बेल जाता है। अब मैं इसे आयरन के तवे पे सेक रही हूँ क्योंकि इस पे ही ये क्रिस्पी बनते हैं। मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लीजिए, जैसे आप नॉर्मल पराठा सेकते हैं। तो ये टेस्टी सा मटर का पराठा बनकर हो गया है रेडी। अब आपको बिल्कुल भी विंटर का वेट नहीं करना है कि कब सर्दियों का मौसम आए और कब हम मटर के पराठे इंजॉय करें। आप किसी भी सीजन में फ्रोजन मटर से मटर के पराठे बना सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मटर को मिस कर रहे हैं। मटर सबकी फेवरेट होती है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से हम सारे पराठों को रेडी कर लेंगे। अब आप इसे चाहे तो सॉस के साथ, चटनी के साथ, ठेचा के साथ, जिसके भी साथ चाहें सर्व करें और इंजॉय करें। इसके ऊपर टेस्ट के लिए थोड़ा सा बटर डाल लीजिए तो बिल्कुल और भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।